नमस्ते सभी को, गुड मॉर्निंग। बड़ी खबर ये है कि जैसे कि अब तक ये कंफर्म हो ही गया है कि S24 सीरीज़ जो सैमसंग की आने वाली है वो S24 और S24 प्लस एक्जिनोस 2400 में होगा, और अल्ट्रा जो है वो स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 के साथ आएगा। अभी ट्विटर पर मैंने पढ़ा, अभिषेक यादव और एंड्रॉयड हेडलाइंस के चैनल पर आया है, गूगल ने किया तो सैमसंग कैसे पीछे रहेगा, 7 ईयर्स ऑफ वन यूआई अपडेट्स ऑन द एंटायर S24 सीरीज, 7 साल के ओएस अपडेट्स पूरे S24 को। तो गुड न्यूज़ है ना? मतलब गूगल ने 7 साल का अपडेट्स अनाउंस कर दिया तो सैमसंग भी करेगी। अब उसी के साथ एक्जिनोस देने का मतलब ये हो गया कि भाई हम लोग नहीं लेंगे, लोगों को जो अगर स्नैपड्रैगन मिलता पिछले साल का S23 कितना बड़ा, इट वॉज अ रनअवे हिट, बहुत बड़ा हिट था, बट इस बार उन्होंने एक्जिनोस लिया तो कितने जगह वो एक तरह से डील ब्रेकर बन गया कितने लोगों के लिए कि एक्जिनोस है। बट अब ये एक सिक्सर मारा है सैमसंग ने, सीधा बॉल बाउंड्री के बाहर विद 7 ईयर्स ऑफ OS अपडेट। एक्जिनोस तो खैर इनका वैसे भी हिट था अपना S21 FE में, वो कमती नहीं बिका, सेल्स में भी बहुत बिका और काफ़ी रनअवे सक्सेस भी रहा है। तो उम्मीद है अगर सब कुछ अच्छा रहा एक्जिनोस 2400 के साथ तो वन UI उनका जो सॉफ्टवेयर है, कमाल का सॉफ्टवेयर है, उसके साथ में 7 ईयर्स ऑफ अपडेट और कैमरास तो अच्छे रहने ही वाले हैं, तो मेरे ख्याल से फ़ोन अच्छा चल जाएगा। तो आज का जो मेन कहने का मतलब है कि 7 ईयर्स ऑफ OS अपडेट इन सैमसंग S24 सीरीज़। आई होप ये न्यूज़ आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू, बाय बाय।